उसके बर्थडे के लिए रिटर्न गिफ्ट बाय कर लेकर आएंगे। गाइस हमें रिटर्न गिफ्ट ढूंढते ढूंढते इतना टाइम लग गया कि हेलो इटी फैमिली, हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। आज हम मम्मा का ब्लड टेस्ट और क्लाउड 9 से स्टाफ आए हैं ब्लड सैंपल लेने के लिए। चल चलते हैं बाहर, मैं आप सबको दिखाती हूँ कि मम्मा का भी टेस्ट कैसे हो रहा है। ये मेरा डायबिटीज का टेस्ट था। प्रेगनेंसी में मुझे थोड़ी सी डायबिटीज हो गई थी, तो डॉक्टर ने बोला था कई बार डिलीवरी के बाद ये डायबिटीज खत्म हो जाती है, कई बार रह भी जाती है। तो एक बार टेस्ट करेंगे हम, अगर प्रॉब्लम लगती है तो फिर मेडिसिन स्टार्ट कर सकते हैं, नहीं तो फिर कोई ज़रूरत नहीं है। तो एक बार सैंपल मैंने दे दिया है, उसके बाद उन्होंने मुझे वो ग्लूकोन डी पिलाया 75 ग्राम, और उसके बाद फिर से 1 घंटे के बाद वो आएंगे, फिर से सैंपल लेंगे, फिर ब्रेकफास्ट मैंने करना है, उसके बाद फिर से 1 घंटे के बाद वो आएंगे, फिर रिपोर्ट आएगी, तो फिर आपको अपडेट देंगे कि क्या आया है रिपोर्ट में। अब इस्माइरा आप जाओ, बात करके आओ, इस्माइरा ने स्कूल जाना है और ऋषभ मेरी गोद में सो रहा है, तो मैं जाऊँगी अभी किचन में खाना बनाने के लिए। जाओ इस्माइरा, रेडी होकर आ जाओ। ओके। के लिए लंच में मैं बना रही हूँ भिंडी की सब्जी, इधर स्माइला के लिए दूध गर्म हो रहा है, और यहाँ पे आलू बॉईल हो गए हैं क्योंकि उसको ब्रेकफास्ट में सैंडविच लेकर जाना है आलू वाला। मैं स्कूल के लिए रेडी हो चुकी हूँ और मेरे स्कूल का टाइम हो चुका है। बाय टू फैमिली, मिलते हैं आफ्टरनून में। स्माइला जब स्कूल से आएगी तो आज हम मार्केट जाएंगे और उसके बर्थडे के लिए रिटर्न गिफ्ट बाय कर लेकर आएंगे, लेकिन उससे पहले हमें हॉस्पिटल भी जाना है क्योंकि सुबह जो सैंपल लेकर गए थे उसकी रिपोर्ट आ जाएगी, तो डॉक्टर से भी मिलना है, रिपोर्ट भी दिखानी है, चेकअप भी है। तो जैसे स्माइला आती है स्कूल से, उसके बाद हम चलते हैं हॉस्पिटल और फिर स्माइला के बर्थडे के लिए रिटर्न गिफ्ट भी बाय करते हैं। हम हॉस्पिटल में पहुंच चुके हैं और अभी हम जा रहे हैं फर्स्ट फ्लोर पर क्योंकि हमें ऋषभ की फोटोग्राफ भी कलेक्ट करनी है जो डिस्चार्ज के टाइम पे हुई थी। हम उसके बाद एक बार हॉस्पिटल आए थे चेकअप के लिए, लेकिन फोटोग्राफर अवेलेबल नहीं थे, इसीलिए हमें फोटो नहीं मिली। आज भी अवेलेबल नहीं है मुझे लगता है। एक फोटो के लिए कितना वेट करना पड़ रहा है हमें। जैसे हम डॉक्टर के रूम के पास पहुंचे, हमने देखा कि डॉक्टर लंच कर रहे हैं, तो फिर हमने सोचा कि क्यों ना हम भी लंच कर लें, और अभी हम कैंटीन में आए हैं। और गाइस हमने उस चीज़ का शूट नहीं लिया था, ऋषभ के होने से पहले ना विकी राजू और मैं इसी कैंटीन में आए थे और हमने खाना खाया था, और जब ऋषभ हो गए थे उनसे तब भी हमने इसी कैंटीन में खाना खाया था। आप देखो हॉस्पिटल के सारे व्लॉग्स देखना कि हमने किस टाइप का खाना यहाँ पर खाया था। तो जब भी हम हॉस्पिटल में चेकअप के लिए आते हैं तो स्माइला बोलती है कि हम यहीं से ही खाना खाएंगे क्योंकि हॉस्पिटल का खाना इतना यम्मी था ना। और जब मैं विकी रेचू के साथ आती थी ना, तो हम किसी बेंच पर बैठे थे, तो मेरे दिल तक टिक टिक हो रहा था कि क्या होगा, मेरी बॉय होगा या मेरी गर्ल होगी। और मुझे उस चीज़ की बहुत एक्साइटमेंट थी कि मैं नीचे जाऊँगी, पापा मुझे बताएंगे कि स्माइला फाइनली आपका सब्जेक्ट आ चुका है। और जैसे ही मुझे ये खबर पता चली थी, मेरे आँखों में शुरू हो गया था। तो वो सारे व्लॉग्स आप जाकर देखिए स्माइला नरूला व्लॉग चैनल पर, हमारे हॉस्पिटल की जर्नी जो थी उसमें जाकर देखिए कि स्माइला कितना इमोशनल हो गई थी जब इसको पता चला था कि फाइनली इसका सिबलिंग हेल्दी हेल्दी आ गया है इसके पास। और जब मैंने इसमें देखा था मेरे रिएक्शन क्या थे, वो सारे व्लॉग्स आप जाकर देखो। तो हमने खाना अपने लिए ऑर्डर कर दिया है और पापा के लिए खाना आ चुका है। हमारा खाना क्या है वो अभी टेबल पर आएगा, हम आपको दिखाएंगे। तो पहले देखिए पापा जी क्या खा रहे हैं। साउथ इंडियन मील, इसमें ग्रेवीज हैं और ये कर्ड है या स्वीट है, लस्सी है, बटर मिल्क। और ऋषभ यहाँ पे सो रहा है, हवा चल रही है इसीलिए मैंने इसके ऊपर दुपट्टा डाल दिया है। स्माइला ने आज अलग से अपने लिए बाउल ऑर्डर की है खिचड़ी की, साथ में कर्ड है, साथ में पापड़ है क्योंकि इसको लास्ट टाइम खिचड़ी बहुत पसंद आई थी। और ये प्लेट मेरे लिए। चेकअप हो चुका है और जो रिपोर्ट आई थी वो एकदम नॉर्मल थी, डॉक्टर ने देख ली है। और हॉस्पिटल के पास में अंकित चाचू का घर है,
हम बहुत टाइम से उनसे मिले नहीं हैं। इवन वो नेमिंग सेरेमनी पे आए थे लेकिन ज़्यादा टाइम हम एक साथ स्पेंड नहीं कर पाए थे तब। और आज बच्चों के पापा बोल रहे हैं क्यों ना उनके घर चलते हैं, उनसे मिलना भी हो जाएगा। और जब से ऋषभ आया है तब से हमने उनको स्वीट्स भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं की हैं क्योंकि टाइम ही नहीं मिल रहा था। मैंने तो बीच में स्माइल और पापा दोनों को बोला था कि आप दोनों चले जाओ, लेकिन हम मम्मा और ऋषभ को अकेला नहीं छोड़ सकते थे। बात तो सही है। तो ये नहीं गए और आज इसीलिए पापा बोल रहे हैं कि हम चलते हैं, स्वीट्स भी डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, उनसे मिलना भी हो जाएगा और स्माइरा के बर्थडे के लिए उनको इनविटेशन भी दे देंगे। तो अभी हम जा रहे हैं स्वीट शॉप पर, उनके लिए स्वीट्स बाय करते हैं फिर उनके घर चलेंगे। तो स्माइरा कौन सी स्वीट्स लोगे आप अंकि चाचू के लिए? जो पापा को पसंद होगी। जो पापा को पसंद होगी? अच्छा, आप अपनी चॉइस की स्वीट नहीं बाय करोगे? कर सकती हूँ लेकिन जो भी फ्रेश मिल जाएगी वो हम बाय कर लेंगे। पापा फ़ोन कर रहे हैं चाचू को शायद पूछने के लिए अवेलेबल हैं वो या नहीं, क्योंकि वीकेंड है ना। आप ऋषभ के टाइम पे भी इसी शॉप पर आए थे ना? यस, मैंने व्लॉग में देखा था। मेरा तो मीठा खाने का मन कर पड़ा। हम भी कुछ खा लेते हैं। हाँ, खा सकते हैं क्या हम कुछ यहाँ पे? क्योंकि आपने मेरा भी मुंह मीठा नहीं करवाया है ऋषभ के आने की खुशी में। सबको मिठाई खिलाई इन्होंने मुझे छोड़कर। आज खा लो, पूरी दुकान आपके लिए है। नहीं, पूरी दुकान खाऊंगी तो जो रिपोर्ट नॉर्मल आई है ना नेक्स्ट टाइम खराब आ जाएगी। ये सारी स्वीट्स अवेलेबल हैं, कौन सी चाहिए आपको चाचू के लिए और कौन सी आपको खानी है देख लो एक बार। यहाँ पे लड्डू की बहुत सारी वैरायटी है, ये देखो घी लड्डू, बेसन लड्डू, गोंद लड्डू, ड्राई फ्रूट लड्डू, मोतीचूर लड्डू। जब ऋषभ हुआ था हमने मोतीचूर लड्डू लिए थे, वो बहुत टेस्टी थे। तो पापा, हम आज भी मोतीचूर लड्डू ले लें? मुझे तो पता नहीं है कि उनको कौन सी स्वीट पसंद है, तो जो कॉमन स्वीट्स होती हैं उन्हीं में से कुछ देख लो, जैसे बर्फी लड्डू। और यहाँ पे मेरी फेवरेट काजू कतली भी है। मम्मा पापा ऋषभ डिसाइड कर रहे हैं कि हमें कौन सी स्वीट लेनी चाहिए। हमने अंकित चाचू के लिए मोतीचूर के लड्डू लिए हैं और साथ में मेरे लिए काजू कतली ली है जो अभी मैं खा रही हूँ। और अभी हमारी गाड़ी निकली है, हमने हॉस्पिटल में ही गाड़ी पार्क रखी थी, फिर हम स्वीट्स लेने चले गए और बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है तो पहुँचते हैं उनके घर पे और मैं आप सबको मिलवाती हूँ उनसे। हम उनके घर पे पहुँच चुके हैं। हेलो, हाय, हाय, समायरा क्या हाल है? ठीक है। नमस्ते अभी, और बस बढ़िया। और एकदम चाची ने मुझे चने की चाट दी है। चलो खाओ फिर, मुझे तो खाना नहीं है। बहुत यम्मी है, खा लो मम्मा थोड़े से। नहीं नहीं, मुझे नहीं खाने हैं। ऋषभ को खाने हैं, उसकी आवाज आ रही है। चाची को दे दो। जब शादी होती है तो चाचू के लड़ने लगती है। नहीं आई है ना, सारे काम एक साथ करके जाएगी इसके आने की खुशी में। आने की खुशी में इतना प्यारा सा गिफ्ट, थैंक यू सो मच। हम मार्केट में पहुंच चुके हैं और स्माइरा मुझे ले आई है स्टेशनरी सेक्शन में, क्योंकि ये चाहती है कि अपने फ्रेंड्स को रिटर्न गिफ्ट्स में स्टेशनरी के कुछ पैक्स दे। और यहाँ पे इसने स्केच पेन्स उठा लिए हैं, बड़े पैकेट्स भी अवेलेबल हैं, छोटे पैकेट्स भी अवेलेबल हैं। मैं चाहती हूँ कि कोई यूनिक सा प्रोडक्ट हम रिटर्न गिफ्ट्स में ऐड करें, तो यहाँ देखते हैं और क्या क्या अवेलेबल है। जैसे कि ये डोम्स का एक पैक है, बॉक्स के अंदर क्रियॉन्स हैं, फिर यहाँ पे डोम्स के सुपर वॉशेबल पेन्स हैं, ये मुझे लगता है मार्केट में नए आए हैं क्योंकि मैंने पहली बार देखे हैं। और ये भी एक पैक है, इसमें है पेस्टल ब्रश पेन्स 12+1+1, इसमें ब्लेंडर ब्रश पेन भी है और ये सारे पेस्टल कलर्स हैं। ये वाटर कलर हैं लेकिन ये तो सब बच्चों के पास होते ही हैं। इतना बड़ा ज्योमेट्री बॉक्स, इसमें क्या है ये पहली बार मैं देख रही हूँ, बड़ा ज्योमेट्री बॉक्स। ये आर्ट रिलेटेड है, इसमें 72 शाइनिंग कलर्स हैं लेकिन इसको ओपन नहीं कर सकते हैं, टेप लगी हुई है, नहीं तो हम ओपन करके देखते कि किस टाइप का ज्योमेट्री बॉक्स है। और इसका प्राइस क्या है? इसका प्राइस तो बहुत ज़्यादा है, 1390, इसको तो रख ही दो।
पेंसिल इरेजर है, ये आर्ट में यूज होता है ना, सॉफ्ट होता है। पेंस का कलेक्शन है, पेंस तो आपके यूज ही नहीं होते है ना, कलेक्शन तो बहुत। ये मार्कर्स हैं, मार्कर भी बच्चों के किसी काम के, ये नॉर्मल परमानेंट मार्कर्स हैं। गाइस हमें रिटर्न गिफ्ट ढूंढते ढूंढते इतना टाइम लग गया कि अभी हम घर लौटे हैं और टाइम हो चुका है 8:30। हमें समझ ही नहीं आ रहा था कि हमें रिटर्न गिफ्ट में क्या लेना चाहिए, और मुझे था कि मैं अपने फ्रेंड के लिए कोई ऐसा रिटर्न गिफ्ट लूँ जो उनके काम आए। जैसे ही हम शॉप पर पहुँचे, वहाँ पर मुझे बहुत सारे स्टेशनरी के पैक्स दिखे, और काम की चीज़ क्या होती है, स्टेशनरी, क्योंकि अगर मुझे स्टेशनरी पसंद है तो ऑब्वियसली मेरे फ्रेंड्स को भी स्टेशनरी पसंद होगी। तो मैंने वहाँ पर पैक्स देखे, लेकिन वो वैसे ही सिमिलर पैक्स थे जैसे हमने लास्ट ईयर दिए थे, और मैं नहीं चाहती कि मैं वही चीज़ रिपीट करूँ, क्योंकि वो अच्छा नहीं रहता है ना एक ही बार वही रिटर्न गिफ्ट देना। तो लेकिन आपके फ्रेंड्स इस बार तो नहीं है ना, नए स्कूल के नए फ्रेंड्स। वो तो है, लेकिन मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं हो रही थी। हाँ, क्योंकि एक गिफ्ट इसने भी तो रखना है ना अपने पास। इसीलिए ये अपने पास पुराने वाला गिफ्ट नहीं रखना चाहती थी, इसीलिए बोल रही थी कि मम्मा कोई ऐसा गिफ्ट हम ढूंढेंगे जो कि थोड़ा यूनिक हो और मेरे फ्रेंड्स को भी अच्छा लगे, लेकिन चाहिए मुझे स्टेशनरी आइटम में ही। तो फाइनली हमें रिटर्न गिफ्ट्स मिल चुके हैं, बहुत ही प्यारे प्यारे। चलो दिखाओ यूट्यूब फैमिली को। पाउचेस हैं, अलग अलग कलर्स के, अलग अलग थीम के पाउचेस हैं। जैसे ये ब्लू कलर का है तो एक ही डिज़ाइन में 2 या 3 पीसेज इसके अंदर हैं, 3 हैं मुझे लगता है। इस पे है आई नीड सम स्पेस, तो ये बॉयज़ के लिए है, वैसे तो गर्ल्स को भी दे सकते हैं, मोस्टली तो गर्ल्स ही आएंगी। और ये भी ब्लू कलर का है, इसका भी डिज़ाइन थोड़ा डिफरेंट है, तो इसमें भी 3 पीसेज हैं। और इसकी क्वालिटी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, इसीलिए हमने इन पैक्स को बाय कर लिया। और उसके बाद मायरा का फेवरेट थीम यूनिकॉर्न, यूनिकॉर्न। अगर आपका भी फेवरेट थीम यूनिकॉर्न है तो कमेंट में यूनिकॉर्न वाला इमोजी सेंड कर दो। इसको ओपन करके दिखाते हैं, ये देखिए अंदर से भी अच्छा है स्पेस, और क्वालिटी इसकी अच्छी है, कलरफुल है, बहुत ही प्यारे हैं। इसमें भी 3 पीसेज हैं यूनिकॉर्न में। उसके बाद मरमेड ग्रीन कलर का पाउच है ये, इसमें भी 3 पीसेस, तो टोटल 12 पीसेस हो गए। और हमने वैसे स्माइरा के फ्रेंड्स की जो लिस्ट बनाई है वो 8 to 10 फ्रेंड्स हैं, लेकिन हमने सोचा था कि 13-14 पीसेस हमें मिल जाए, एक्स्ट्रा होने चाहिए, लेकिन उनके पास इतने ही पीसेस अवेलेबल थे। तो उन्होंने बोला कि अभी बर्थडे को टाइम है, तो आप कल एक बार फिर से शॉप पर आ जाना, न्यू स्टॉक आ जाएगा, तो जितने अवेलेबल थे उतने हमने बाय कर लिए हैं। और फिर हमने वहाँ पे सोचा कि खाली पाउचेस बच्चों को गिफ्ट करना अच्छा नहीं लगेगा, तो फिर हमने शॉपकीपर को बोला कि हमें कोई स्टेशनरी आइटम्स भी दे दो साथ में जो हम इसके अंदर फिल कर सकें। तो उन्होंने हमें यहाँ पे कुछ स्टेशनरी कलेक्शन दे दिया है, जैसे कि पेंसिल्स हैं, ब्लू कलर की पेंसिल्स, और साथ में एक एक रूलर दिया है, एक एक इरेजर, इरेजर, पेंसिल्स, और ये रूलर का कलर जो है वो सेम है लेकिन शार्पनर्स का कलर अलग अलग है, कुछ ब्लू हैं, कुछ रेड हैं, येलो हैं, ग्रीन भी है शार्पनर्स मायरा। मैंने नोटिस ही नहीं किया वहाँ पर, क्योंकि उन्होंने बोला जितने भी कलर्स अवेलेबल हैं मैं सारे ही आपको दे देता हूँ, एक एक दो दो पीसेस। स्टेशनरी के अलग अलग बंचेस हमने बना दिए हैं, और इनको हम इन पाउचेस के अंदर पैक करेंगे, और एक पाउच के अंदर हम 2-2 पेंसिल्स रखेंगे, एक एक पेंसिल नहीं रखेंगे। और ये स्टेशनरी के साथ साथ हम यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के इरेजर्स भी लेकर आए हैं, और ये इरेजर ट्रेंडिंग है, और स्माइरा ने मुझे बोला कि मम्मा ये टायर वाला इरेजर पूछो अंकल के पास अवेलेबल है या नहीं है, तो हम ये वाला इरेजर भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन मैं चाहती हूँ कि ये वाला इरेजर को हम डिफरेंट टाइप से पैक करें, क्योंकि इसके अंदर अगर इसको रखेंगे तो थोड़ा फ्लफी और ज़्यादा हो जाएगा ये पाउच, इसकी फिनिशिंग चली जाएगी। तो इन इरेजर्स को हम डिफरेंट तरीके से पैक करेंगे बाद में, आज नहीं करेंगे, तो इनको एज इट इज़ मैं रख दूंगी। और जब भी मैं इन इरेजर्स को पैक करूंगी उसका व्लॉग शूट करूंगी, और वो व्लॉग हमारे स्माइरा नरूला व्लॉग चैनल पर आएगा। तो आप उस चैनल को अभी जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मम्मा इन इरेजर्स में ना 4 कलर्स हैं। हाँ दिखा देते हैं, येलो है, ग्रीन एंड
ब्लू। सुमायरा का फेवरेट पिंक कलर नहीं है, कोई बात नहीं। सुमायरा को अब तो ब्लू कलर भी पसंद है ना, जब से भाई आया है। क्योंकि बॉयज को ब्लू पसंद होता है ना, अब ये हर चीज में ब्लू ब्लू करती है। तो इनको हम बाद में पैक करेंगे, अभी हम इनको पैक कर लेते हैं। ये लो सुमायरा, इनको पैक करके अभी से रख दो। ओके। ये लो टू टू पेंसिल्स, एक एक इरेजर, एक एक शार्पनर। और अभी हमने इनके लिए कैरी बैग्स भी बाय करने हैं, क्योंकि वहाँ पे कैरी बैग्स अवेलेबल नहीं थे, बहुत बड़े साइज़ के थे। तो फिर हमने सोचा कि ठीक है कहीं और से हम ट्राई कर लेंगे, तो तभी हम इनको भी पैक कर देंगे जब इनको पैक करेंगे। स्मायरा के लिए बचेगा पाउच या नहीं पता नहीं, अगर एक भी फ्रेंड ना आया तो सारे पाउच स्मायरा के। तो गाइस कैसे लगे आपको रिटर्न गिफ्ट्स, आप हमें कमेंट्स में बताइए। और कौन सा थीम आपको ज्यादा अच्छा लगा वो भी बताना, यूनिकॉर्न वाला, स्पेस वाला, मरमेड वाला या फिर स्टे कूल वाला। मायरा का बर्थडे हम इस बार किस तरह सेलिब्रेट करने वाले हैं, कहां पर सेलिब्रेट करने वाले हैं, वो सब डिसाइड हो चुका है और उसका व्लॉग भी पोस्ट हो गया है। आप मायरा नरूला व्लॉग्स चैनल पर जाइए, मैंने स्क्रीनशॉट लगा दिया है, डिस्क्रिप्शन में उस चैनल का लिंक दे दिया है। उस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मायरा का बर्थडे व्लॉग, गिफ्ट अनबॉक्सिंग व्लॉग, ऋषभ की वेलकम पार्टी, ये सारे व्लॉग्स आपको हमारे दोनों चैनल्स पर देखने को मिलेंगे। तो दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आप हमारे एक भी व्लॉग को मिस ना कर पाओ। आज के व्लॉग को हम यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा तो इस व्लॉग को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट्स में अपना फेवरेट थीम जरूर लिखना। मिलते हैं फिर जल्दी नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।